कबीर सिंह वर्सेस भारत। कबीर सिंह के फर्स्ट वीकेंड का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 70+ करोड़ था और इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन 134+ करोड़ रुपीस था और इस फिल्म का अभी तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 227.92 करोड़ है। यार बहुत अच्छी मूवी है। इट इज़ अ रीमेक ऑफ अर्जुन रेड्डी और इसको संदीप ने डायरेक्ट किया है। लगभग लगभग सेम फिल्म है बट बहुत अच्छी फिल्म है, मज़ा आने वाली है देख के। इसमें थोड़ा ओवर दिखा दिया गया है बट ये एक फिल्म है तो ओवर दिखाया जाएगा तो चलेगा, इट्स ओके। अ ग्रेट फिल्म, मस्ट वॉच्ड फिल्म। अब बात की जाए भारत की, जिसमें इतनी बड़ी स्टार कास्ट, कैटरीना कैफ, सलमान खान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इस फिल्म के कलेक्शंस की अब बात करते हैं। इस फिल्म ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 150+ का बिजनेस किया, 150 करोड़+ का बिजनेस किया। साथ ही में इस फिल्म ने नया रिकॉर्ड बनाया, सेकेंड हाइएस्ट क्रॉसिंग बॉलीवुड मूवी इन इंडिया ऑफ फर्स्ट वीकेंड। फर्स्ट वीक का कलेक्शन 180+ करोड़ था और इसका अभी तक का कलेक्शन 314.22 करोड़ है। अभी भी कई थिएटर्स में लगी हुई है फिल्म। और कबीर सिंह जिसका 227 करोड़ रुपीस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो भी अभी काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स में लगी हुई है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या कबीर सिंह सलमान खान की भारतीय कलेक्शन को क्रॉस कर सकती है? मे बी येस, बिकॉज अभी कबीर सिंह को 2 हफ्ते और हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा जिस हिसाब से ये कलेक्शन कर रही है, अगर इसमें डिक्रीमेंट नहीं आता है, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रिलीज़ होने वाली है, एनाबेल हो चुकी है रिलीज़, अगर ये फिल्मों के रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते हैं, इन फिल्मों के अच्छे नहीं जाते हैं थिएटर्स, तो ये फिल्म पक्का उसको भी क्रॉस कर सकती है। बट अगर ये फिल्में थिएटर में लग गई हैं और अगर इन फिल्म के रिव्यूज़ अच्छे आते हैं, इनके थिएटर हिट जाने लगते हैं, तो ये फिल्में थिएटर से निकल जाएगी और इसके बाद इसके कलेक्शन शायद थोड़े कम पड़ जाएँ बट उसके आसपास ज़रूर रहेंगे, बिकॉज ये उससे बहुत अच्छी फिल्म है। इसकी रेटिंग्स 8 की हैं, उसकी 5.5 की हैं, दोनों रीमेक हैं बट ये बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई है। और उस फिल्म में क्या किया गया है ना, जो रीमेक फिल्म थी वो वन ऑफ द चैम्पियंस फिल्म थी, बट उसके रीमेक मतलब कि बॉलीवुड है ना, तो बॉलीवुड को मस्ती करने में बहुत मज़ा आता है, तो बॉलीवुड ने मस्ती करनी चालू की और मस्ती में सबसे अच्छे अच्छे सीन काट दिए और गंदे गंदे सीन होते हैं ना जो फिल्म के, वो डाल दिए उसमें। और अनलॉजिकल सीन्स बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, हॉलीवुड की कॉपी करते हैं तो अनलॉजिकल सीन्स डालते हैं और वहाँ पे जितने भी लॉजिकल सीन्स होते हैं उनको हटा देते हैं ये लोग, तो वही काम किया गया है इस फिल्म में। बट सलमान खान की ज़बरदस्त एक्टिंग और कैटरीना कैफ की वजह से इस फिल्म ने इतने हाई ग्रॉसेस किए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से, बिकॉज स्टोरी लाइन तो अच्छी थी बट इसमें हम लोगों के पास्ट को क्या दिखा दिया गया है, तब भी लोग देख रहे हैं जा करके, तब भी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है। यार पास्ट के साथ उन्होंने कितनी छेड़छाड़ की है, कुछ भी पास्ट दिखाया है क्या, ऐसे ही कोई भी फिल्म कुछ भी बना दोगे हम लोग देखेंगे जा करके, वॉट इज़ दिस। बट कबीर सिंह जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट होता है, वो एक लड़की के पीछे पागल हो जाता है, प्यार में पड़ जाता है, दैट इज़ ओके यार, होता ही है कई बार, बस हाँ उसमें थोड़ा ओवर दिखा दिया, फिल्म है यार चलता है। अगर अच्छा, अगर अब आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।